हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स द वेकअप शो के अंदर, जहां पर मैं कुमार संभव हर रोज सुबह 7 बजे आप सभी को करंट अफेयर्स का एक डोज देता हूं। लेकिन हाँ, एक छुट्टी जरूर होती है संडे को, लेकिन घबराइए मत। बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज आती है कि सर संडे का न्यूज कहाँ गया। तो देखिए, सैटरडे और संडे दोनों दिनों की खबर को हम मंडे मॉर्निंग को जरूर सुनाते। तो आपके स्क्रीन पे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि 10 और 11 जून, तो 10 और 11 जून ये दोनों की खबरें जो है, उन सभी का एक ओवरव्यू जो है आज के शो में लिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स द वेकअप शो के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं अपने ही अंदाज में आप सभी से कहूंगा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और चलते हैं सफर की तरफ। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स और भी साथी हमारे व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़ सके और इस शो का भरपूर फायदा उठा सके। तो यहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, उनको बताना जरूरी हो जाता है कि करंट अफेयर्स द वेकअप शो जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो जी हाँ, हम न्यूज को सेगमेंट्स में पेश करते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, समिट्स की बातें, एग्रीमेंट की बातें, अपॉइंटमेंट की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, और तमाम उन इंपॉर्टेंट न्यूज को लास्ट में रिवाइज करवाने के लिए क्या करते हैं, तो क्विज भी खेलते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। क्विज का भी एक सेशन होता है आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ, तो 12 क्वेश्चंस भी आपका इंतजार कर रही है। तो समय को जाया नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी पहली खबर के ऊपर। और अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग, और फर्स्ट न्यूज है आपके सामने, नेशनल न्यूज की पहली खबर, राष्ट्रीय खबर, नेशनल न्यूज, और तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। तो रूरल सैनिटेशन कवरेज क्रॉसेज 85% मार्क, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो है 85% अंक पार हो गया, 85% से ज्यादा हो गया है। तो देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद संभाला था, इस पोस्ट पे आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था स्वच्छ भारत अभियान का। 2014 में महात्मा गांधी जी के बर्थडे के ऊपर उन्होंने इसको स्टार्ट किया और टारगेट रखा कि 2019 150th anniversary, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, मतलब 150वीं वर्षगांठ महात्मा गांधी जी की, उनके ऊपर उनका टारगेट रहा कि भारत को शौच, खुले में शौच मुक्त जो है, ओपन डिफिकेशन फ्री जो है वो करना है। तो यहाँ पे रूरल एरियाज जो है, उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पेश किया भारत के इस मुहिम के ऊपर, भारत की इस स्कीम के ऊपर। तो यहाँ पर 85% रूरल सैनिटेशन जो है वो कवर हो चुका है। इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में। तो सैनिटेशन कवरेज इन रूरल इंडिया हैज राइजन टू 85% अंडर स्वच्छ भारत मिशन, द लार्जेस्ट क्लीनलेस ड्राइव इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है ये। अ रीसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी अक्रॉस 90,000 हाउसहोल्ड्स इन ओवर 6,000 विलेज, तो एक एजेंसी के द्वारा 6,000 गांव के अंदर 90,000 हाउसहोल्ड घर वालों के ऊपर इसको सर्वे किया गया, एंड फाउंड दैट द यूजेस ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल इंडिया हैड राइजन टू 93.4%, और वहां पर उन्होंने 93.4% जो है वो पाया कि यहाँ पर टॉयलेट्स मौजूद हैं। टू इंडिपेंडेंट सर्वेस कंडक्टेड इन द पास्ट बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन 2017 एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन 2016 आल्सो रिकॉर्डेड द यूजेस ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल इंडिया टू बी अराउंड 91% एंड 95% रिस्पेक्टिवली, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये 91 और 95 भी पाया गया। आगे चलते हैं आप और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, और इस तस्वीर के अंदर आप क्या देखिएगा, हाउसहोल्ड टॉयलेट कवरेज अक्रॉस इंडिया। तो सबसे पहला आपको साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड बिलो जो है एक टेबल बना है टेबुलर फॉर्मेट में, बिलो 30%, तो उसको ऑरेंज कलर से दिखाया गया, और पूरे भारत के नक्शे के ऊपर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बिलो 30% हो। देन थोड़ा लाइट ग्रीन, वेरी लाइट ग्रीन 30-60%, देन लाइट ग्रीन 61-90%, और देन डार्क ग्रीन 91-100%। तो आप भारत के राज्यों को देख सकते हैं कि वो किस पोजीशन में है, क्या वो 30-60 के बीच में, क्या वो 61-90 के बीच में, और क्या वो 91-100 के बीच में। और भारत सरकार का पूरा पूरा लक्ष्य है कि 2019 तक इसे पूरा कर लिया जाए। थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल कम्युनिटीज अराउंड 7.4 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस रूरल इंडिया, एंड एज एन आउटकम ओवर 3.8 लाख विलेजेस एंड 391 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डिफिकेशन फ्री।
और देखिए 3.8 लाख विलेजेस और 391 जिले जो हैं वो खुले में शौच मुक्त बन चुके हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री बन चुके हैं. डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सैनिटेशन कवरेज इंक्रीज टू मोर देन डबल द कवरेज एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द मिशन. द सक्सेस हैज रिपोर्टेडली बीन अचीव ड्यू टू द डिफरेंस इन अप्रोच टू सैनिटेशन अडॉप्टेड बाय द स्वच्छ भारत मिशन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सैनिटेशन प्रोग्राम्स इन द कंट्री. तो ये जो प्रीवियसली भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स चल चुके हैं देश में, उससे बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. और लास्ट पॉइंट, आप यहां पर इस तस्वीर को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और हम चलते हैं आपकी अगली खबर की तरफ और नेशनल न्यूज की अगली खबर. 8 states, 8 राज्य एंड 4 UTs यूनियन टेरिटरीज साइन MOUs विद हेल्थ मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत. 8 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत मिशन को लागू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं. तो यहां पर आयुष्मान भारत स्कीम, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिशन है, जहां पर एक फैमिली को 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज का कवरेज दिया जाएगा, हेल्थ कवरेज दिया जाएगा. तो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम ये सरकार के द्वारा, जिसका नाम आयुष्मान भारत स्कीम, या हम इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी कहते हैं, और मोदी मिशन भी कहा जाता है इनको, तो मोदी हेल्थ केयर भी कहा जाता है, मोदी केयर भी कहा जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, जहां पे 8 राज्य मतलब 8 states एंड 4 UTs ने, 4 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज ने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया इसको लागू करने के लिए अपने राज्यों में. कई राज्यों ने मना भी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे रहा, जिसने मना किया कि वो आयुष्मान भारत मिशन को अप्लाई नहीं करना चाहते अपने राज्य के अंदर. तो कुछ राज्य जो है वो अपवाद भी रहे, एक्सेप्शन भी रहे, लेकिन 8 states और 4 UTs ने इसको साइन किया. और भी स्टेट्स जो है वो फेहरिस्त के अंदर है, लिस्ट के अंदर है, जो इसको लागू करना चाहती. तो आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि हु इज द करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है. जल्दी से उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए. इस खबर को हम डिटेल में आपके लिए पढ़ते हैं और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज. तो ये देखिए आपके लिए इस खबर को डिटेल में पढ़ रहे हैं. अमंग दी 8 states आर HP, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड. अमंग 4 UTs चंडीगढ़ इज वन ऑफ देम. देन दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल हैव नॉट गिवन एनी एसेंट टुवर्ड्स द अडॉप्शन ऑफ द प्रोग्राम. तो दिल्ली, ओडिशा, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, जहां पर एंटी गवर्नमेंट है बीजेपी से रिलेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को लागू करने से अपने राज्य के अंदर मना कर दिया. देन गुजरात, MP, UP, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु विल बी साइनिंग द MOU. और ये कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आयुष्मान भारत से मिशन से जुड़ा हुआ जो MOU है उसके ऊपर साइन करने से बिल्कुल, मतलब उन्होंने हामी भरी है और आगे चल के उसको मंजूरी भी देंगे. रीजनल वर्कशॉप्स आर बीइंग प्लान्ड अक्रॉस इंडिया टू साइन MOU विद अदर स्टेट्स. और कुछ क्षेत्रीय वर्कशॉप भी लगाए जा रहे हैं जहां पर उन स्टेट्स और राज्यों को अवेयर किया जा सके कि आप किस तरह से जल्द इसके ऊपर सिग्नेचर करिए. आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, द स्कीम विल प्रोवाइड कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली टू 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज एनुअली. इट विल टारगेट पुअर रूरल families and identified occupational categories of urban workers families 8.03 crore in rural areas and 2.33 crore in urban areas. तो यहाँ पे लगभग 10 करोड़ poor families को target किया जाएगा जिनकी health coverage की जा सके annually और per family 5 लाख रुपीस जो है उसके अंदर दिया जाएगा. द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस फ्रॉम अगस्त 15, 2018. तो इस बजट में, फरवरी 2018 के बजट में अरुण जेटली ने इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया था. और ये स्कीम संभवतः कब से लागू की जाएगी, तो 15 अगस्त 2018 से. आगे चलते हैं और अगली खबर आपके सामने, और अगला न्यूज इंटरनेशनल सेगमेंट हमारे सामने खुल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट हमारे सामने खुल चुका है. उस खबर को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आपका आंसर ले लेते हैं बिल्कुल यहां पर. और योर राइट आंसर इज जेपी नड्डा इज द करेक्ट आंसर. जगत प्रकाश नड्डा इज द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर. तो बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर. और इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की तरफ चलेंगे. तो इंडिया उज्बेकिस्तान टू रूट देयर ट्रेड थ्रू चाबहार. तो चाबहार पोर्ट, जो इंडिया और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि चाबहार बंदरगाह जो है, चाबहार पोर्ट जो है,
वहां से हमारा बिजनेस हो, वहां से हमारा व्यापार हो, जहां पर पाकिस्तान के थ्रू हमें जाने की कोई जरूरत नहीं होगी और कहीं ना कहीं हम बाईपास होते हुए ईरान जाएंगे और अपना व्यापारिक रिश्ता जो है वो ईरान के साथ कंटिन्यू करेंगे, जहां पर ह्यूज टैरिफ टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें पाकिस्तान को। तो चाबहार एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलॉन्ग विद ईरान। अब उसके अंदर कौन पार्टनर बन चुका है? उज्बेकिस्तान भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया उज्बेकिस्तान टू रूट देयर ट्रेड थ्रू चाबहार। तो भारत उज्बेकिस्तान चाबहार के माध्यम से अपने व्यापार को रूट करेंगे। तो यहां पर उस चाबहार अग्रीमेंट के अंदर उज्बेकिस्तान भी एक पार्टनर के तौर पर उभरा है। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर सेट टू रूट देयर ट्रेड थ्रू द ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार एज पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली ग्रोइंग एंगेजमेंट विद रिसोर्स रिच सेंट्रल एशिया। तो यहां पर संसाधन युक्त है, पूरा का पूरा संसाधन रिसोर्स जो है वो फुली रिसोर्स कंट्री है उज्बेकिस्तान। तो किस तरह से सेंट्रल एशिया की इस कंट्री को टारगेट किया जाए चाबहार पोर्ट अग्रीमेंट के थ्रू, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने एक इच्छा शक्ति दिखाई और उज्बेकिस्तान के साथ ये अग्रीमेंट किया। तो फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले, जो विदेश सचिव है हमारे विजय गोखले, सेड दैट ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोव ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द समिट ऑफ द एट नेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो समिट क्विंगदाओ चाइना के अंदर चल रहा है, उसके साइड लाइन, उसके इतर जाकर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करी है नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले जी ने। द टू लीडर्स होप टू सप्लीमेंट देयर कनेक्टिविटी थ्रू द चाबहार पोर्ट विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड एन इन्वेस्टमेंट जोन इन उज्बेकिस्तान। तो यहां पर एक औद्योगिक पार्क भी बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया जाएगा और उसके अलावा यहां पर एक इन्वेस्टमेंट जोन भी बनाया जाएगा उज्बेकिस्तान के अंदर। इन सभी मुद्दों के ऊपर बात हुई है। तो देखिए मैप ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा है, अगर हम एक्सट्रीम राइट की तरफ जाते हैं तो हमें इंडिया दिख रहा है और इंडिया के मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जुड़ रहा है तजाकिस्तान और उसके ठीक बगल में है उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान कौन कौन सी कंट्रीज से टच कर रहा है? तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि किस तरीके से हमारे पेपर के अंदर न्यूज आ सकता है। तो आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान का क्विक फैक्ट आपके सामने, क्विक फैक्ट्स ऑफ उज्बेकिस्तान। कैपिटल इज ताशकंत। देखिए उज्बेकिस्तान एक जमाने में USSR यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का पार्ट हुआ करता था और USSR ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। अगर आपको याद हो तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो है एक न्यूट्रल प्लेस के ऊपर मीटिंग करने गए थे और वो जगह ताशकंद ही थी और लाल बहादुर शास्त्री की मौत भी ताशकंद के अंदर हुई थी जहां पर वो समझौते के लिए गए थे। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक, प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोव, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अरिपोव, लेजिस्लेचर सुप्रीम असेंबली बोलते हैं यहाँ के लेजिस्लेचर को, अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव चैम्बर बोलते हैं और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, इंटरनेशनल न्यूज की अगली खबर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। ट्रंप विड्रॉज G7 ज्वाइंट स्टेटमेंट एक्यूजिंग ट्रूडो ऑफ डिसऑनेस्टी। देन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रुप 7 से रूस के निष्कासन को वापस ले लिया है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है अभी रिसेंट। देखिए G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का समूह, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से देश हैं। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है G7 का एक मीटिंग अभी रिसेंटली कहां पर हुआ? कैनेडा के क्यूबिक में, QUEBEC। तो कनाडा के क्यूबक नामक इलाके के अंदर, क्यूबक नामक स्थिति के अंदर एक समिट हुआ, सम्मेलन हुआ, किसका? G7 का, जहां पर 7 देश और यूरोपियन यूनियन के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। 7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पहले ही यहां से जाना सही समझा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का। देखिए G7 को शुरुआत में G7 ही कहते थे, लेकिन बाद में रशिया को ऐड किया गया तो G8 बन गया। काफी सालों तक ये G8 के नाम से चला, लेकिन यूक्रेन और क्रीमिया के मुद्दे पर, आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले यूक्रेन और क्रीमिया का मुद्दा
अलोंग विद रशिया यूक्रेन और क्रीमिया का मुद्दा जो इतना ज्यादा छाया रहा, जहां पे वोटिंग तक हुई और रशिया ने क्रीमिया को अपने अंदर ले लिया, और कहीं ना कहीं ये रशिया के डोमिनेंस को दिखाता था कि रशिया ने गलत किया है और वहां पर वोटिंग को उन्होंने डोमिनेट किया, वहां पे वोटिंग को उन्होंने मैनिपुलेट किया है और क्रीमिया को अंदर लिया है। और यूक्रेन ने ये आरोप लगाया, बहुत ज्यादा टसल चला था, आज से 3-4 साल पहले की बात है ये। तो यहां पर इस मुद्दे के ऊपर G8 से दोबारा रशिया को निकाल दिया गया और G8 दोबारा बन गया G7। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि रशिया को वापस लिया जाए, जिसके ऊपर बाकी देश जो है इनका खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं कि रशिया को हम वापस G7 के अंदर नहीं लेंगे। और उसके अलावा टैरिफ के मुद्दे पे, टैक्स के मुद्दे पे बहुत बात बन रही है, और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े कट्टर किस्म के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट माने जाते हैं और वो सीधा कहते हैं कि अगर अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ ज्यादा लगाया जाएगा तो वो भी उन देशों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे अमेरिका के अंदर। तो इस मुद्दे के ऊपर G7 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी दिखाई, जल्दबाजी दिखाई और उन्होंने मीटिंग को छोड़ दिया और डिसऑनेस्टी का आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ड्रामेटिकली विथड्रॉ हिज एंडोर्समेंट ऑफ ज्वाइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ G7 समिट इन कैनेडा इन अ रो ओवर ट्रेड अक्यूजिंग द समिट्स चेयरमैन जस्टिन ट्रूडो ऑफ डिसऑनेस्टी। और जो कैनेडियन PM है वहां पे, तो G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, ना ही G7 का कोई परमानेंट चेयरमैन होता है। तो G7 की मीटिंग जब भी होती है, जहां भी होती है, वो होस्ट नेशन उसका हेडक्वार्टर बन जाता है और वहां के होस्ट PM और प्रेसिडेंट उनके चेयरमैन बन जाते हैं। तो यहां पे समिट्स के चेयरमैन कौन थे? जस्टिन ट्रूडो, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, और कैनेडा के क्यूबक में ये G7 का 44th समिट जो है वो हुआ। Based on Justin's false statement at his new conference and the fact that the Canada is charging massive tariff to our farmers, US farmers, workers and companies, I have instructed our US not to endorse the communique. तो ट्रंप सेड इन अ ट्वीट सेंट फ्रॉम ऑन बोर्ड एयरफोर्स वन। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि जब कनाडा हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे डेयरी उत्पाद के ऊपर इतना शुल्क लगाता है, तो ठीक अमेरिका कनाडा के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएगा। तो इस चीज को उन्होंने डिसऑनेस्टी करार दिया, कैनेडियन PM को उन्होंने डिसऑनेस्ट बोला कि आप इस तरह से US फार्मर्स के साथ कैसा कर सकते हैं। ट्रंप, हु इज ऑन हिज वे टू सिंगापुर फॉर अ समिट विद नॉर्थ कोरियाज लीडर, आल्सो रिट्रिएटेड वार्निंग्स दैट हिज administration was mulling tariffs on automobiles, flooding the US market in a move that would be primarily aimed at another G7 member, Germany. Very dishonest and weak, Trump said, adding that recently imposed US tariff on imports of Canadian steel and aluminium. तो कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर उन्होंने ह्यूज टैरिफ लगाया। क्यों? क्योंकि कनाडा जो है US के डेयरी उत्पादों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर ह्यूज टैरिफ लगाता है, और US के डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां से समिट छोड़कर अब किधर की तरफ चल लिए हैं? तो जी हाँ, 12 जून को 12 जून को सिंगापुर में उनकी मीटिंग है नॉर्थ कोरिया के किंग के साथ, सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन के साथ। तो यहां पर क्विक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्विक फैक्ट्स ऑफ G7। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड यूनाइटेड States। तो यहां पर आप इन सभी कंट्रीज के प्लीज नाम नोट कर लीजिएगा, इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी, इनके प्रेसिडेंट और PM का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले पेपर्स में ये पूछ सकते हैं, क्योंकि G7 मीटिंग जो है रिसेंटली हुआ है कैनेडा के अंदर। तो कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US इज द 7 कंट्रीज इन G7 ग्रुप, और यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एट द G7 समिट। तो यहां पे इसके अलावा, इन 7 देशों के अलावा, यूरोपियन यूनियन नाम का ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहां पर रिप्रेजेंट किया अपने आप को, और इट इज द 44th G7 मीटिंग जो कनाडा के अंदर हुआ, क्यूबेक के अंदर हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज जस्टिन ट्रूडो और करेंसी ऑफ कनाडा इज कैनेडियन डॉलर। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट खबर। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है, होपफुली पसंद आ रहा होगा आपको आज का सेशन रोज की तरह, तो आप इसी तरह से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। लेकिन जी हाँ, आपको क्या करना है, तो आज के लाइव स्ट्रीम को, लाइव जो आपके सामने चल रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने कलीग्स के साथ, जिससे वो भी जुड़ सकें। और कुछ खबरों के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सैटरडे और संडे की तमाम न्यूज को लेकर हम आपके सामने आए हैं यहां पर, और यहां पर आपको पार्टिसिपेट करना है, ह्यूज पार्टिसिपेशन चाहिए आपका, और तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए लेकर आए। स्पोर्ट्स की बातें भी बहुत करेंगे, चाहे वो फ्रेंच ओपन की बात हो, इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश ने हमें हराया हो एशिया T20 वुमेन्स कप के अंदर, लेकिन ये सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट, और उन खबरों के बाद
क्विज के लिए जरूर तैयार रहिएगा, तो एमसीक्यू के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगले खबर इंटरनेशनल न्यूज की अगली खबर, नरेंद्र मोदी होल्ड्स बायलेटरल टॉक्स विद हेड ऑफ एससीओ मेंबर कंट्रीज। नरेंद्र मोदी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों के प्रमुखों की द्विपक्षीय बातचीत हुई है, तो यहां पर क्विंगडाओ के अंदर यह मीटिंग हुई। तो ये खबर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन संडे हेल्ड सेपरेट बायलेटरल टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड मंगोलिया। तो एससीओ का मेन मीटिंग कहां पर हुआ? क्विंगडाओ चाइना के अंदर। उसके अलावा उन्होंने सेपरेट बायलेटरल द्विपक्षीय बातचीत करी कौन से तीन देशों के साथ? कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट और मंगोलिया के प्रेसिडेंट के साथ। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ एससीओ समिट हियर टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज टाइज विद द थ्री रिसोर्स रिच कंट्रीज। तो ये संसाधन युक्त जो देश है उनके साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए एससीओ के साइड लाइन में आकर उन्होंने तीन देशों के साथ अलग से बात करी। जैसा उज्बेकिस्तान के साथ उन्होंने चाबहार पोर्ट के ऊपर अग्रीमेंट किया, ठीक उसी तरह से उन्होंने तीन देशों के साथ अलग बात करी। मिस्टर मोदी मेट मिस्टर नजारबायेव, President of Kazakhstan, and invited his country to join the International Solar Alliance, an initiative announced in 2015. तो energy efficiency के लिए उन्होंने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को और कजाकिस्तान देश को उन्होंने इन्वाइट किया कि आइए हमारे देश के द्वारा शुरू किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे 2015 पेरिस समझौते के अंदर साइन किया गया था, आप भी उसका पार्ट बनिए, जिसका हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है, उसका पार्ट आप भी बनिए। और कजाकिस्तान के बारे में अगर हम जाने तो कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। कजाकिस्तान देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज रशिया सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाए कि नेम द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा, लैंड लॉक का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से जमीनों से घिरा हुआ और इनको कहीं भी कोई समंदर ना लगता हो, कहीं कोई ओशियन ना लगता हो, तो इस वजह से इसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। तो कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री, तो ये जरूर हम आपको याद होना चाहिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्विक फैक्ट्स ऑफ तीनों कंट्रीज, तो थ्री कंट्रीज का क्विक फैक्ट्स। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबायेव, करेंसी टेंगे। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, प्रेसिडेंट सूरनबे जेविनकोव, करेंसी सोम। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार, प्रेसिडेंट खल्टन मागिन बटुलगा और करेंसी इज टॉगरोग। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम तीन तीन चार चार दो दो करके कंट्री कैपिटल, करेंसी, स्टेट यूटी कैपिटल या मिनिस्टर्स के नाम करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सारे नाम हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे टिप्स पे आ जाएंगे, जैसे हमारे दोस्तों के नाम इन 20-25 सालों के अंदर आ गए हैं और हम उनके पेट नेम के अलावा तमाम उन नाम को जानते हैं जिनसे हम उनको छेड़ते भी हैं। इसी तरह से इन मिनिस्टर्स के नाम और तमाम नाम आपके टिप्स पे आ जाएंगे अगर आप रोज इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, दो दो तीन तीन करके, और नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, इंटरनेशनल न्यूज की अगली खबर, एससीओ समिट अडॉप्ट्स डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर 3-ईयर प्लान टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो ये आठ, इन तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो आठ मेंबर कंट्रीज है, आठ सदस्य देश हैं, उन्होंने 3 साल का एक प्लान लॉन्च किया है कि किस तरह से वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ सके, कॉम्बैट जो है टेररिज्म अगेंस्ट, कॉम्बैट टेररिज्म जो है वो कर सके। तो एससीओ शिखर सम्मेलन आतंकवाद से लड़ने के लिए 3 साल की योजना की जो है वो घोषणा की गई है। द समिट कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ क्विंगडाओ डिक्लेरेशन। क्विंगडाओ डिक्लेरेशन क्यों बोला गया? क्योंकि चाइना के एक शहर क्विंगडाओ के अंदर इस साल का समिट हुआ, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए। तो चाइना के शहर क्विंगडाओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट किया गया। द डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द 3-ईयर प्लान टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो किस चीज के खिलाफ लड़ना है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, अलगाववाद के खिलाफ लड़ना है और उग्रवाद के खिलाफ लड़ना है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए 3 साल का प्लान। इट आल्सो कॉल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म गुड नेबर लाइंस, मतलब कि पड़ोसी मुल्कों के बीच में रिश्ते अच्छे हों इसके ऊपर भी बातचीत की गई है। फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, सहयोग और दोस्ताना मैत्रीपूर्ण रिश्ता बना रहे। ऑल द हेड्स ऑफ एससीओ कंट्रीज हेल्ड अ रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग बिफोर द समिट, और उन्होंने कुछ इस तरह से समिट और सम्मेलन करके इन सभी मुद्दों के ऊपर
ऊपर बातचीत करी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। तो इसी के अलावा इंडिया पार्टिसिपेशन, इंडिया रिफ्यूज टू, अब इंडिया की बात करें, इंडिया की भागीदारी करें, तो सबसे बड़ा कदम इंडिया ने यह उठाया कि इंडिया ने रिफ्यूज किया चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट OBOR, वन बेल्ट वन रोड, मतलब चाइना का वन बेल्ट वन रोड रूट या सिल्क रोड रूट बोलते हैं। और इंडिया को एक ही चीज से प्रॉब्लम है कि अगर चाइना ये रूट, अपना पुराना एंशियंट रूट डेवलप कर रहा है व्यापार के लिए, तो उसमें POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उन्होंने सड़क बनाई है, जबकि अगर हम देखते हैं, लॉफुली देखते हैं, तो इंडिया अपना पोजीशन उसके ऊपर बताता है और पाकिस्तान का पोजीशन उसके ऊपर इलीगल है, जिस वजह से इंडिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना कहता है और कहता है कि अगर इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए, तो भारत की परमिशन जरूरी है। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की परमिशन लेकर, जैसा हमें पता है कि चाइना और पाकिस्तान बहुत नजदीक है, तो उन्होंने, चाइना ने पाकिस्तान की परमिशन लेकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उन्होंने सड़क बनाई और इंडिया के विदाउट परमिशन, जिससे इंडिया को बहुत बड़ा एतराज, और उन्होंने सीधा सीधा क्विंगडाओ सम्मेलन के अंदर और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का विरोध किया। और एट द रिस्ट्रिक्टेड सेशन ऑफ SCO समिट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लोटेड कंसेप्ट ऑफ सिक्योर, और पीएम मोदी को एब्रीवेशन देने की बड़ी अच्छी आदत है, और उन्होंने यहां पर एब्रीवेशन फिर से दिया है, किस चीज का, सिक्योर का, और सिक्योर का ईच अल्फाबेट जो है अपने आप में कोई ना कोई मतलब रखता है, और सिक्योर में S का मतलब है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए सुरक्षा, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, C का मतलब है कनेक्टिविटी इन द रीजन, क्षेत्रों के अंदर तालमेल और कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, U फॉर यूनिटी, एकता, R फॉर रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब रिस्पेक्ट करेंगे एक दो दूसरे देश जो है, आठ देश जो है, एक दूसरे देश के आजादी का और उनकी मजबूती का रिस्पेक्ट, सम्मान करेंगे, और E फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक डिक्लेरेशन दिया और वहां पर एक एब्रीवेशन दिया, सिक्योर जरूर याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले न्यूज की तरफ चलेंगे, तो चाइना अवार्ड्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर टू पुतिन, अ साइन ऑफ ग्रोइंग सीनो रशिया टाइज, सेज एक्सपर्ट्स। तो जनविहित भवन में पुतिन को चीन के पहले मैत्री पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रशिया भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो तस्वीर में आपको चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट दिख रहे हैं, तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक अवार्ड दिया है, और ये अवार्ड जो है एक हाईएस्ट स्टेट ऑनर है चाइना को, जो चाइना ने रशिया को दिया है, कि चाइना और रशिया का रिलेशन और स्ट्रांग हो। तो चाइना हैज अवॉर्डेड इट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो आपको सिंपल याद रखना है कि चाइना ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो किसको दिया है, तो वो दिया है व्लादिमीर पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और उस अवार्ड का नाम है द फ्रेंडशिप मेडल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द फ्रेंडशिप मेडल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये कहां पर दिया गया, तो क्विंगडाओ समिट, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था, सम्मेलन था, वहां पर इस अवार्ड को दिया गया। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, तो ये देखिए अगली खबर, इंडिया चाइना साइन टू अग्रीमेंट्स ऑन ब्रह्मपुत्र वाटर डेटा शेयरिंग, सतलुज एंड नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स किए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज का जमावड़ा हो चुका है, सैटरडे और संडे की तमाम खबरों को लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। तो इंडिया चाइना ने दो अग्रीमेंट साइन किए, कौन कौन सी चीजों के ऊपर, तो ब्रह्मपुत्र वाटर डेटा शेयरिंग, सतलज और नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट। तो भारत और चीन ने ब्रह्मपुत्र जल डेटा साझाकरण और गैर बासमती चावल निर्यात पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इंडिया एंड चाइना साइन टू बायलेटरल अग्रीमेंट्स फॉलोइंग द मीटिंग बिटवीन द PM नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ समिट। द अग्रीमेंट्स इंक्लूड कंटिन्यूइंग टू शेयर ब्रह्मपुत्र वाटर डेटा ड्यूरिंग फ्लड सीजन एंड एक्सपोर्टिंग नॉन बासमती राइस टू चाइना। तो यहां पे टारगेट क्या रखा गया, तो टारगेट ये रखा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहां पे बाढ़ जब आती है सीजन के दौरान, जब बहुत बारिश होती है तो बाढ़ आने की संभावना होती है, तो दोनों देश जो है वो ब्रह्मपुत्र के डाटा आंकड़ों को नियमित तौर पर, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी तौर पर वो शेयर करते रहे, जिससे दोनों देश
सजग रहें कि अगर बाढ़ आने की संभावना हो तो उससे ज्यादा क्षतिपूर्ति ना हो, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन और नुकसान ना हो। और उसके अलावा सिर्फ बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता था, तो अब बासमती चावल से अच्छे चावल भी होते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो बासमती को ही अलाउ करती है। लेकिन चाइना के साथ ये अग्रीमेंट हुआ है कि बासमती के अलावा गैर बासमती नॉन बासमती राइस को भी वहां पर एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। और आने वाले समय में 2020 तक, जो इंपॉर्टेंट रेड लाइन से मार्क किया है, द टू कंट्रीज हैव सेट अ ट्रेड टारगेट ऑफ $100 बिलियन बाय 2020। और हमारा व्यापार का टारगेट कितना है, तो $100 बिलियन का टारगेट है 2020 तक इंडिया और चाइना के मध्य। और उसके अलावा आपको याद होगा कि क्विंगडाओ समिट से ठीक पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट एक इनफॉर्मल मीटिंग, अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था वुहान, चाइना वुहान के अंदर एक अनौपचारिक मीटिंग हुआ था। तो एक इनविटेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी देकर आए हैं कि इस साल या अगले साल जो है इसी तरह की अनौपचारिक मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग, वुहान वाली मीटिंग सेम ये मीटिंग इंडिया में भी होनी चाहिए। और हम आपको इनवाइट करते हैं, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको इनवाइट करते हैं इंडिया में ऐसे ही एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए, तो आप जरूर आइएगा इस मीटिंग के ऊपर, जो मीटिंग हम लोगों ने किया था ठीक वुहान के अंदर, उस जैसी मीटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, बिजनेस न्यूज की तरफ, व्यापार न्यूज की तरफ। एफडीआई इन इंडिया राइजेस टू $61.96 बिलियन इन 2017-18 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्स। अभी रिसेंटली हमने पिछले एपिसोड में किया, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन एज यू नो हमें गवर्नमेंट एजेंसी की बात को मानना ही पड़ेगा। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया राइजेस टू $61.96 बिलियन इन 2017-18 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्स। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है, यूएन के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनकी एक संस्था है यूएनसीटीएडी, उनके अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर एफडीआई जो है वो गिरा है। और गवर्नमेंट का डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अकॉर्डिंग वो बढ़ा है। तो यहां पर इस खबर को पढ़ते हैं। और भारत में 2017-18 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई को हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, करीब 3% बढ़कर 61.96 अरब डॉलर तक पहुंच गया, $61.96 बिलियन तक पहुंच गया है, यह कहना है हमारे डीआईपीपी का। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज टू $6.96 बिलियन इन 2017-18 लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो किसके द्वारा यह कहा गया, तो डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सेक्रेटरी रमेश अभिषेक के द्वारा यह वक्तव्य, यह स्टेटमेंट जारी किया गया। एफडीआई इनफ्लोस स्टूड एट $60 बिलियन इन द प्रीवियस फिस्कल, उससे पहले $60 बिलियन पे था 2016-17 के अंदर, और 2017-18 के अंदर $61.96 बिलियन जो है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है। और ही आल्सो सेड ड्यूरिंग द 4 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट फॉरेन इन्फ्लोस जंप टू $222.75 बिलियन फ्रॉम $152 बिलियन इन द प्रीवियस 4 year पीरियड। However, अकॉर्डिंग टू यूएनसीटीएडी, तो वही मैंने बताया कि यूएनसीटीएडी के अकॉर्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया डिक्रीज टू $40 बिलियन इन 2017 फ्रॉम $44 बिलियन। तो यूएनसीटीएडी का डाटा जो है वो अलग बात कहता है और डीआईपीपी जो है वो अलग बात कहता है। तो मेरा काम और हमारे मेक माई एग्जाम का काम, करंट अफेयर्स द वेकअप शो का काम क्या है कि न्यूज को आपके सामने रखना और दोनों चीजों को डीपली एनालिसिस करना, जो मैं कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह खबर जो है वो जरूर समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, अपॉइंटमेंट की खबर। तो गवर्नमेंट अपॉइंट्स एस रमेश एज चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी, सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में सरकार ने एस रमेश को नियुक्त किया है। तो यहां पर सीबीआईसी, जिसको पहले सीबीईसी कहा जाता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम कहा जाता था, अब उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। देखिए पहले इसका नाम था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो उनके चेयरमैन कौन बने हैं, एस रमेश उनके चेयरमैन बने हैं। तो इस खबर को, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड एस रमेश मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एज इट्स नेक्स्ट चेयरमैन। ही विल सक्सीड प्रेजेंट चेयरमैन वनजा एन सरना, हु रिटायर्स इन जून 2018। तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, वनजा एन सरना। तो यहां पर हम इस खबर को थोड़ा और डिटेल में करते हैं और जानते हैं क्विक फैक्ट्स रिलेटेड टू एस सीबीईसी।
तो क्विक फैक्ट्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीआईसी इज द नोडल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कस्टम जीएसटी सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एंड नार्कोटिक्स इन इंडिया. तो जितने भी अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, देखिए डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बॉडी है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. लेकिन देर आर टू काइंड ऑफ टैक्सेस, कर के भी दो प्रकार होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी बॉडी है, सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. और किन किन चीजों को कंट्रोल करता है तो आपके सामने है कस्टम जीएसटी सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एंड नार्कोटिक्स इन इंडिया. इट इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और कौन से मंत्रालय के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया. ये सभी डिपार्टमेंट्स में से मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब बहुत सारे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है उनमें से एक, स्टैब्लिश इन 1855 बाय दी देन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू एडमिनिस्टर कस्टम लॉज इन इंडिया. तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कस्टम लॉ को प्रशासित करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए स्थापित किया गया था. इट वॉज रिनेम टू प्रेजेंट नेम फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इन मार्च 2017. तो मार्च 2017 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम का नाम बदल के क्या कर दिया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट की अगली खबर की तरफ. एनआईए एक्स चीफ शरद कुमार अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर. पूर्व एनआईए प्रमुख शरद कुमार को सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है. फॉर्मर एनआईए चीफ शरद कुमार वॉज ऑन 10 जून अपॉइंटेड विजिलेंस कमिश्नर इन द प्रोबिटी वॉचडॉग सीवीसी. तो यहां पर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, विजिलेंस का मतलब क्या होता है, सतर्कता आयोग. सतर्कता आयोग क्या करता है, तो करप्शन के मामले और इस तरह के कोई इरेगुलर मामलों की जांच करता है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हुआ, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ है. तो वहां पर ये चुपचाप अपने काम को मतलब बिल्कुल प्रवान चढ़ाते हैं अपने काम को, और इन कामों को बिल्कुल निगरानी से देखते हैं. जहां पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर सबसे नंबर वन पोस्ट कौन सा है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और उनके नीचे उनके दो सबॉर्डिनेट होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर. तो यहां पर ये एक वॉच डॉग के तौर पर काम करता है, जहां पर इनको क्या देखना होता है कि कहीं कोई इरेगुलरिटी और कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है. अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल ऑर्डर मिस्टर कुमार हैज बीन अपॉइंटेड विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65. द पोस्ट वॉज लाइंग वेकेंट सिंस फेब्रुवरी. अकॉर्डिंग टू द रूल्स मिस्टर कुमार टेन्योर विल कम टू एन एंड इन अक्टूबर 2020. तो या तो ये 65 साल की उम्र तक रह सकते हैं या 4 साल तक रह सकते हैं. तो 2020 में इनकी उम्र 65 साल हो जाएगी, तो ये रिटायर हो जाएंगे. द कमीशन कंप्राइजेस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड टू विजिलेंस कमिश्नर. जैसे मैंने बताया कि इस कमीशन के अंदर देर इज वन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड टू विजिलेंस कमिश्नर. तो सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, केवी चौधरी, और विजिलेंस कमिश्नर एक कौन है, टीएम भसीन, और दूसरे कौन है, शरद कुमार. तो ये याद रखिएगा, नंबर वन पे केवी चौधरी, और दो विजिलेंस कमिश्नर कौन है, एक का नाम शरद कुमार जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और दूसरे का नाम है टीएम भसीन. तो प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. अगली खबर की तरफ चलते हैं, अदर्स न्यूज की तरफ. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एड्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स. तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र के अंदर 5 परमानेंट कंट्रीज होती हैं, और इसके अलावा इनके पास 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होती हैं. 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज, और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज में से जो खाली हुई थी जगहें, तो दो दो साल का टेन्योर होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का. तो 2 years के टेन्योर के बाद अगर हम बात करें तो 5 सीट्स जो खाली थी, 5 देशों की जो जगह खाली थी, वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐड किया गया. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देश जो हैं वो चुने गए हैं. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड साउथ अफ्रीका. तो ये 5 देशों के नाम याद रख लीजिए जो नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं. तो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, यूके यूएसए फ्रांस रशिया चाइना. ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के. लेकिन इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज भी होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, जो हर 2 वर्ष के अंतराल के बाद नए चुने जाते हैं. तो यहां पर जो ये 10 परमानेंट नेशन है उसमें से 5 चुने गए हैं फिलहाल, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी, बेल्जियम एंड डोमिनिकन रिपब्लिक एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 years टाइम पीरियड. तो 2 सालों के टाइम पीरियड के लिए इनको चुना गया है. 190 मेंबर स्टेट्स आउट ऑफ 193 कास्ट वोट्स फॉर द
न्यूली इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल कितने मेंबर्स है, 193, जिसमें से 190 मेंबर कंट्रीज ने अपना वोट डाला और अलग अलग कंट्रीज को उन्होंने चुना है। कौन कौन सी कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी, बेल्जियम एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। यूनाइटेड नेशंस हैज 15 मेंबर्स, 15 टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 15 देश इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, आउट ऑफ विच रशिया, चाइना, यूके, यूएस और फ्रांस आर 5 परमानेंट मेंबर्स। दीज आर कॉल्ड एज P5, P5 का मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड विद वीटो पावर। इनके पास वीटो पावर भी होती है कि अगर यूएनओ के अंदर कोई भी फैसला लिया जाना है तो अगर ये 5 देश मानेंगे तो ही उस फैसले को माना जाएगा। अगर एक भी देश नेगेटिव वोट को यूज करता है, मतलब वीटो को यूज करता है, तो उस फैसले को नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स की खबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट सेगमेंट है आपका, उसके बाद बढ़ चलेंगे आपके क्विज सेशन की तरफ। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, देखिए टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन एक साल में, 1 ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं एक साल में। कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन और यूएस ओपन। तो ये सीरियल ऑर्डर में मैंने बताया, सबसे पहला साल में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है विमल्डन और लास्ट में आता है यूएस ओपन। तो फ्रेंच ओपन साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम और फ्रेंच ओपन 2018, हाले बीट्स स्टीफन्स टू विन मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो यहां पे आपको दिख रहा है, तो 5 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेन्स डबल्स, वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स, लेकिन हम इंपॉर्टेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। तो यहां पे वुमेन सिंगल का मैच किसने जीता, सिमोना हालेप ने जीता और इन्होंने किनको हराया, तो यूएसए की स्लोएन स्टीफन्स को हराया टू विन मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो फ्रेंच ओपन 2018 हेलिप, सिमोना हेलिप ने स्टीफन्स को हराकर किया ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब के ऊपर कब्जा। तो वर्ल्ड नंबर 1 सिमोना हालेप हैज वॉन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल विद अ गट्सी कमबैक विक्ट्री ओवर अमेरिकन 10th सीड स्लोएन स्टीफन्स इन द फ्रेंच ओपन फाइनल। हालेप, हु हैड लॉस्ट हर 3 प्रीवियस मेजर फाइनल्स, वेंट अ सेट एंड अ ब्रेकडाउन एट रोलैंड गैरोस। तो फ्रेंच की एक जगह का नाम है रोलैंड गैरोस, जहां पर ये कार्यक्रम होता है, ये टूर्नामेंट होता है, वहां पर सिमोना हालेप ने वुमेन सिंगल का खिताब जीता है स्लोएन स्टीफन्स को हराकर। तो ये खबर बहुत बढ़िया है और ये कहां से बिलोंग करती है, रोमानिया से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है, रोमानिया से बिलोंग करती है सिमोना हालेप, और किसको हराया, यूएसए की स्लोएन स्टीफन्स को हराया। आगे चलते हैं, हालेप बिकेम द सेकेंड रोमानियन वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स ट्रॉफी आफ्टर वर्जीनिया रुजिशी। तो इससे पहले भी रोमानिया की एक लड़की ने, एक लेडी ने बहुत साल पहले ये ट्रॉफी जीता था, जिनका नाम वर्जीनिया रुजिशी था। उसके बाद हालेप जो है वो रोमानिया की दूसरी लेडी बनी है जिन्होंने ये मेडन टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन का, और दिस वॉज हेलेप्स 4th मेजर फाइनल एंड हैज लॉस्ट ऑल 3 इन द पास्ट। और ग्रैंड स्लैम के 4 फाइनल में इन्होंने जगह बनाई और 3 पहले हार चुकी थी, पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है इनका, तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देन उसके बाद तो बिल्कुल क्ले कोर्ट के बादशाह, क्ले कोर्ट के बादशाह, लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना 11th फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। तो राफेल नडाल क्लेम्स रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 11th फ्रेंच ओपन टाइटल, तो नडाल की बादशाह। तो मेन सिंगल के अंदर, फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स के अंदर किसने जीता ये मैच, तो जीता राफेल नडाल ऑफ स्पेन, और इन्होंने 24 वर्षीय थीएम को हराया और सीधे सेटों में, 5 सेट का मुकाबला होता है, तो लगातार 3 सेट में उन्होंने हराया थीएम को और अपनी बादशाहत जो है वो बरकरार रखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। तो नडाल टुक हिज रोलैंड गैरोस विन लॉस रिकॉर्ड टू अ जॉ ड्रॉपिंग 86-2 एज ही कैप्चर्ड हिज 17th ग्रैंड स्लैम टाइटल। नडाल्स ट्रायंफ मार्क्स द 6th कंसेक्यूटिव ग्रैंड स्लैम वॉन बाय ईदर हिम और 20 टाइम मेजर चैंपियन फेडरर। द मस्कुलर स्पैनियर्ड हैड वॉन ऑल 10 ऑफ हिज प्रीवियस रोलैंड गैरोस फाइनल्स। इन द फाइनल प्लेड अंडर हेवी स्काईज punctuated by thunderous shot making and stunning use of court, the 32-year-old Spaniard triumphed 6-4, 6-3, 6-2 against first-time finalist Dominic Republic के थीएम को इन्होंने हराया है। तो आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और यहां पर बहुत ही निराशाजनक खबर, लेकिन एक तरफ खुशी भी हुई कि बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम ने अपना एक स्थान दिखाया है वुमेन क्रिकेट के अंदर स्पेशली, और बांग्लादेश ने वुमेन्स एशिया कप, जिसका आयोजन हुआ मलेशिया के क्वालालंपुर में, वुमेन एशिया कप T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ, मलेशिया के क्वालालंपुर में, जहां पे बांग्लादेश ने
इंडिया को फाइनल में हराया 3 विकेट से और इस टाइटल को जीता। तो बांग्लादेश ने जीता महिला T20 एशिया कप, भारत ने पहली बार गवाया खिताब। तो पहली बार इंडिया ने इस खिताब को गवाया है। तो 6 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया, 6 बार भारत चैंपियन रहा है। और किनारा एकेडमी ओवल इन कुआलालंपुर में संडे को, ये कल ही मैच हुआ जहां पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये रोचक फाइनल था जिसको बांग्लादेश की महिलाओं ने खूबसूरती से जीता और इंडिया को हराया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज। देन उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खबर, जब सुनील छेत्री ब्रेस हेल्प्स इंडिया लिफ्ट 2018 इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो फुटबॉल का भी टूर्नामेंट हो रहा था क्रिकेट के अलावा मुंबई के अंदर, जहां पर आपको याद होगा कि सुनील छेत्री जी ने एक वीडियो बनाकर अपील करी थी भारत के लोगों से कि वो मैच देखने घरों से निकले फुटबॉल का मैच देखने के लिए। तो वो कौन सा कप खेला जा रहा था फुटबॉल का, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2018 मुंबई के अंदर, जहां पर सुनील छेत्री के गोल की बदौलत भारत ने केनिया को हराकर 2-0 से केनिया को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता है। तो भारत ने फाइनल मुकाबले में केनिया को 2-0 से रौंदा, कप्तान सुनील छेत्री बने मैच के हीरो और इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है वो भारत ने जीत लिया। तो स्कीपर सुनील छेत्री ब्रेस हेल्प्ड इंडिया थ्रैश केनिया 2-0 एट मुंबई फुटबॉल एरेना हेयर ऑन संडे टू क्लिंच द इंटर कॉन्टिनेंटल कप। छेत्री स्कोर्ड इन द 8th and 29th minute टू हैंड इंडिया अ कन्विंसिंग विक्ट्री ऑन पेपर। तो दो गोल जो है, दोनों के दोनों गोल किसने किए, सुनील छेत्री जो इंडियन टीम के कैप्टन है। आफ्टर द इनिशियल 10 मिनट्स द गेम वॉज मोर और लेस डोमिनेटेड बाई केनिया, द होस्ट look to play on the counter and succeeded in getting 2 gold. So Kenyans looked to turn on the heat but failed and India went into the half time with their 2-goal lead intact. और जो मध्य टाइम तक जो इंडिया ने लीड लिया वही अंतिम लीड बना इंडिया का और इंडिया ने मैच जीत लिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर, अंतरराष्ट्रीय मैचों के अंदर, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 81 गोल्स किए हैं उस प्लेयर ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, पुर्तगाल की तरफ से खेलते हुए, पोर्चुगल की तरफ से खेलते हुए 81 गोल्स किए हैं इंटरनेशनल मैचेस के अंदर। और उसके बाद अगर नंबर आता है तो वो जॉइंटली नंबर आता है, हमारे लिए गर्व और हमारे लिए प्राइड मोमेंट की बात, लियोनेल मेसी विद 64 गोल्स और सुनील छेत्री विद 64 गोल्स। तो देखिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में गोल करने की सूची में संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से लियोनेल मेसी के साथ दूसरे स्थान पर हमारे भारतीय कप्तान विद 64 गोल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर। इसके बाद बढ़ चलते हैं कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज की तरफ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर जल्दी से तैयार हो जाइए 12 MCQs के लिए और जल्दी से जल्दी इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्विंगडाओ डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। क्विंगडाओ घोषणा निम्नलिखित में से किस संगठनों से संबंधित है, बिम्स्टेक, SCO, आसियान या IMF। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत खूब, यहां पर आप सभी का पार्टिसिपेशन और इसी के साथ बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट आंसर अश्विन आनंद का आ चुका है, SCO वो कह रहे हैं। संतोष साहू का भी उत्तर आ चुका है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ, मधुस्मिता, कैलाश, अजय, हरजोत कौर, हरकिरण, प्रिंस, गायत्री, अंकित, रुपेंद्र सिंह, मंजीत, मन्नत, पन्नालाल, अजीत, प्रांजल, जयराम, अजैज, अवे, त्रिलोक, निंता, दीपक, आप सभी का उत्तर बहुत सही। और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज SCO इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज SCO इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री आर सेट टू रूट दियर ट्रेड थ्रू द ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार। भारत और कौन सा देश चाबहार के ईरानी बंदरगाह के माध्यम से अपने व्यापार को मार्गबद्ध करने के लिए तैयार है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या किर्गिस्तान। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा और ये रिवीजन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे लेकिन प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, जिससे आपके आने वाले पेपर्स में ये आपके लिए इतना ही आसान रहे जितना अभी आपको आसान लग रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन का भी राइट उत्तर जो है हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं और बहुत खूब यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। और सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज उज्बेकिस्तान, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चाइना हैज रिज्यूम्ड शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑन द डैश एंड डैश रिवर्स विद इंडिया। चीन ने भारत के साथ रिक्त स्थान और रिक्त स्थान नदियों पर जल विद्युत डेटा साझा करना शुरू कर दिया है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज,
इंडस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इंडस या इंडस सतलुज। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि यहां पर क्या आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको कवर करिए। थर्ड क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से आना शुरू चुका है। नवल किशोर, गोपीनाथ, ऋषभ, सीमा, पूजा, वरुण, जुगनू, पिंकी, आप सभी जो है अवे, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। अरुणीत महाजन, तो इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स का थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर जो है आना शुरू हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्र सतलज, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव साइंड MOUs विद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट ऑप्शन को टिक करिएगा बहुत जल्दी। लिपि समल जी, बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की क्लास भी हम लगाएंगे और आज आपका पॉलिटिकल लेक्चर है तो ध्यान से सुनिएगा। 10 o'clock SSC CGL CPO के मद्देनजर 10 o'clock आपका लेक्चर है, लाइव सेशन है। किसका? तो गवर्नर वाले चैप्टर का, राज्यपाल के चैप्टर का हम इंडियन पॉलिटी में लेक्चर लेंगे। तो यहां पे जल्दी से तैयार रहिएगा हमारे साथ। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन का भी राइट आंसर आना शुरू हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली 8 and 4, मतलब राइट आंसर इज फोर्थ का सी, दैट इज 8 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द 44th एनुअल G7 समिट 2018 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय। 44वें वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किस देश ने किया? कैनेडा, यूके, सिंगापुर या ब्राजील? बिल्कुल अश्विन आनंद जी, इस तरह के सुझाव जो है वो हमारी मैनेजमेंट, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि टॉप चैट में, देखिए हमारा काम जो है यहां पे लेक्चर डिलीवर करना है, टॉप चैट में कमेंट जरूर करिए, उससे मुझे मैसेज मिल जाता है, मैं कन्वे कर देता हूं। लेकिन शो खत्म होने के बाद जब कमेंट बॉक्स ओपन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ऐसे मैसेजेस जरूर डाला करें, अपने शो की डिमांड किया करें, जहां पर हमारी मैनेजमेंट की टीम, हमारी रिसर्च की टीम, हमारी टेक्निकल टीम उन सभी मैसेज को कन्वे करती है हमारे मैनेजमेंट के साथ और फिर वो हमारे लिए शोज जो है वो अरेंज करते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलता रहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में भी अपने इन मैसेजेस को जरूर डाला करें। और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा आ चुका है और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, कैनेडा इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज कैनेडा। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 7 questions और रह चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करें। 6th question, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो आपको बताना कि भारत के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितूर श्रीनिवासा राव, शरद कुमार, केवी चौधरी या विजय शर्मा? जल्दी से आज का आंसर दीजिएगा। चलिए तो बहुत खूब, यहां पर आपको दो और शेयर करने हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे 100 व्यूअर्स जो है हमारे हो जाएं। और 6th question का राइट आंसर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से ज्यादा पार्टिसिपेट करते रहिए और 6th question का राइट आंसर जो है वो बिल्कुल सही आप सभी का, शरद कुमार इज द करेक्ट आंसर। शरद कुमार इज द करेक्ट आंसर। 6th question का राइट आंसर इज बी, दैट इज शरद कुमार। आगे चलते हैं 7th question की तरफ और 7th question ये रहा आपके सामने। हु हैज रिसेंटली क्लेम्ड हर मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल विनिंग द फ्रेंच ओपन? हाल ही में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रांसीसी ओपन जीता है? सानिया मिर्जा, सिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स या वर्जीनिया रुजीशी? तो आपको बताना है कि किसने हाल में अपना पहला फ्रेंच ओपन का या पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो जल्दी से उस प्लेयर का नाम बताइए। 7th question का राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा। संतोष साहू जी, ज्योग्राफी का भी लेक्चर जो है वो जरूर लगेगा और आपकी रिक्वेस्ट जो है जरूर कन्वे कर दी जाएगी मैनेजमेंट के पास, जहां पर वो आपके इस बात का संज्ञान जो है वो जरूर लेंगे। और 7th question का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है। 7th question का राइट आंसर इज एग्जैक्टली सिमोना हालेप फ्रॉम रोमानिया इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? रोमानिया की कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया बाय यूजिंग, विदाउट यूजिंग गूगल आपको आंसर देना है। 7th question का आंसर तो बिल्कुल सही है लेकिन आपको आंसर देना है कि रोमानिया की कैपिटल क्या है। और 8th question की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्लिंच्ड
गोल्ड इन मेंस 800 मीटर इवेंट एट 2018 जूनियर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन गिफू जापान, जापान के गिफू में 2018 जूनियर एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों के 800 मीटर दौड़ के अंदर निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज के न्यूज में तो नहीं था लेकिन क्विज में जरूर है, जहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और बहुत खूब आप सभी का उत्तर। और यहाँ पे रोमानिया की कैपिटल इज बुखारेस्ट, बुखारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। बहुत खूब। और आठवें क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है आप सभी के द्वारा आ चुका है। और राइट आंसर फॉर एट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली अनु कुमार इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज अनु कुमार इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और तीन क्वेश्चंस और रह चुके हैं आपके सामने, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और नाइन्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल संतोष साहू जी, आशीष जाखड़ वाला क्वेश्चन जो है लास्ट एपिसोड में हो चुका था और यहां पर आपको आंसर देना है नाइन्थ क्वेश्चन का। एग्जैक्टली एस रमेश इज द करेक्ट आंसर। दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और टेंथ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन द मेंस कैटेगरी हु वॉन द 11th फ्रेंच ओपन टाइटल, तो फ्रेंच ओपन टाइटल किसने जीता है मेंस कैटेगरी में? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। दो क्वेश्चंस और रह चुके हैं और आज के शो के अंत की तरफ चलेंगे। अगला शो आपका इंतजार कर रहा है वोकैब डोज का शो, तो जगमीत नाम के साथ जरूर जुड़िएगा और वोकैब डोज इंग्लिश का शो जो है उसे जरूर अटेंड करिएगा अपने इंग्लिश को सुधारने के लिए। और 10th क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो आ चुका है और बिल्कुल सही, राफेल नडाल इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज राफेल नडाल। चलिए यहां पर 11th क्वेश्चन, विच टीम वॉन द वुमेन्स एशिया कप बाय 3 विकेट्स टू क्लिंच द टाइटल, किस टीम ने महिलाओं के एशिया कप को 3 विकेट से जीता? तो जल्दी से बताना है कि महिलाओं का एशिया कप T20 टूर्नामेंट किसने जीता, तो जल्दी से उत्तर दीजिए। और 11th क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा। और यहां पर अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, तो 11th का आंसर दिखा देते हैं आपको। बहुत सही, यहां पे राइट आंसर आप सभी के द्वारा। और 11th क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन 2018 इंटरकॉन्टिनेंटल कप बाय 2-0, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जो है उसको कौन सी टीम ने जीता, कौन सी कंट्री ने जीता है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। केनिया, इंडिया, न्यूजीलैंड या चाइनीज तेपई? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। और ये 11th क्वेश्चन का राइट आंसर सी, बांग्लादेश वॉज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब आपको उत्तर देना है 12th क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का। और यहां पे 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आप सभी के द्वारा आना शुरू हो चुका है और एग्जैक्टली इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया होस्ट कंट्री, मुंबई में ये हुआ टूर्नामेंट और इंडिया इज द होस्ट कंट्री और इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता केनिया को 2-0 से हराकर। और इसी के साथ अगर आपको आज का शो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन एक मोटिवेशनल कोट आपके सामने, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक गोल दिमाग में लेकर चलिए, डबल माइंडेड मत होइए। और अगर आप एक गोल लेकर चलते हैं और उसी की तरफ बिल्कुल टारगेट रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सफलता को जरूर छूएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।